हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए, हमारे यहाँ हो रही है हवन की तैयारी। हवन मिक्स रखा है, हवन सामग्री, और ये सारा नारियल वगैरह पूजा का सामान, और ये नवग्रह की लकड़ी, और ये अलग से हवन के लिए लकड़ी रखी है। तब तक दिखाती हूँ मंदिर में मेरी माता जी। जय माता दी आप सभी को। ये देखिए, हमारी की प्यारी सी सुंदर सी माता जी हैं, और इनमें ये मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पहले चढ़ा दिया जाता है, मेरे यहाँ अष्टमी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो ये अब मैं माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, और आप लोग ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे हवन किया जाता है, कैसे क्या होता है, आपको सब जानकारी मिलेगी इसमें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे और अच्छे अच्छे वीडियो आप दोनों लोगों को देखने को मिलें। और ये मैंने पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है माता जी के, मैं उनके आशीर्वाद ले रही हूँ माता जी से मैं। और अब ये पापा मम्मी को हाथ में पैती पहनी जाती है ना, कुछ की वो दिए हैं पहनने के लिए, हवन करने में, पूजा करने में दाएं हाथ में पहनी जाती है। और ये अब आम के पत्ता में ये फूल, चावल और कलावा दिए हैं। ये हैं हमारे मौसा जी हैं, और कोई हवन के लिए था नहीं घर में, इसलिए इनको बुलाया गया था। नैत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशन्यामि महेश्वर ऊर्ध रक्षत दातारं को यापो अनंतरस्य रक्षतु अनमंतभि। अब ये पापा सबको कलावा बांध रहे हैं, हवन के पहले कलावा बांधा जाता है और अच्छा होता है, कलावा बांधना शुभ माना जाता है। अब ये मम्मी के बांध रहे हैं, और जय माता दी फ्रेंड्स। ये तिलक भी कर रहे हैं पापा, और अभी ये मौसा जी उनके तिलक करेंगे। ये भी काफ़ी एज है इनकी, अब ज़मीन में बैठ नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्हें पाटा दिया गया था। अब ये हवन यज्ञ भगवान जी के करने के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया बाती सब जलाई गई है, और ये अभी यज्ञ भगवान का पूजन हो रहा है। पहले जल चढ़ाया जाएगा, फिर तिलक किया गया, उनके आरती करी जाएगी, चावल चढ़ाया गया है, फूल चढ़ाया जाएगा, फूल चढ़ा के और फिर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि फूल आग में जलाया नहीं जाता है। ये उनकी धूप बत्ती कर रहे हैं मौसा जी। अब ये पापा साथ ये कुश्ती हैं, इनको बोल रहे थे ऐसे लाइन से रखने के लिए। इसमें पापा को बहुत ज़्यादा विधि विधान आता है, ये साथ ऐसे रखा गया है, फिर इसमें संकल्प करना है हाथ रख के, और फिर संकल्प करने के बाद ये उठा लिया जाता है, और देन उठाने के बाद इसी से एक लकड़ी से लाइन बनाई जाती है सात, इसी हवन कुंड में सात लाइन बनाई जाती हैं, और इसमें लिखा जाता है ओम। ये देखिए पापा बता रहे हैं और वो लिख रहे हैं ओम। ओम के बाद लिखा जाएगा रंग, लिख ओम रंग, ये हमारे यहाँ ऐसे लिखा जाता है पहले। पापा को सब कुछ पता है, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, आधी चीज़ें पता हैं आधी नहीं। और अब ये देखिए इस तरीके से लकड़ी लगा के रखी जाती हैं, ऐसे लंबी लंबी सी, पूरा थ्री स्टोरी में लगाई जाती है, मीन्स तीन बार ऐसे सेम टू सेम प्रोसेस करके लगाई जाती हैं लकड़ी, और इसके बाद तब हवन स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी लकड़ी लगा दो इधर से उधर। अब ये हवन जलाने के लिए पहले आम के पत्ता में कपूर जलाया गया है, उसके बाद इसका भी पूजन किया गया है, इनके भी रोचना लगाया गया है, पूरा विधि विधान से इनका भी पूजन हुआ है, चावल चढ़ाया गया है, और धूप बत्ती अगरबत्ती करी जाएगी इनके।
इनके भी आरती करने के बाद अब ये फूल हटा दिया जाएगा, क्योंकि बता चुकी हूँ फूल रखा नहीं जाता आग में, और ये भोग लगा दिया गया है, आचमन कर दिया गया है। अब ये पत्ता सहित इसमें रख दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं हवन में आग लगाई जाती है, ऐसे ये सब पूरा विधि विधान से पूजन करके तब ये हवन में ऐसे रखा जाता है। अब ये देखिए हमारी लकड़ियों ने आग पकड़ ली है और इसके बाद अब हवन स्टार्ट हो गया है। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमम, ओम भू स्वाहा, इदं अग्ने इदं नमम, ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे इदं नमम, ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमम स्वाहा। अभी ये पापा नवग्रह की लाए अलग अलग टाइप की लकड़ी जो नवग्रह को सूट करती हैं, और वही एक एक करके अब हवन में डाली जाएंगी। घी के साथ थोड़ा सा घी लगा के और हवन में डाल दी जाएंगी। नवग्रह की अलग अलग लकड़ियाँ होती हैं। ये राहु जी की धूप भी डाल दिया गया है। अब ये जो हमारा नारियल था उसमें घी डाल के सुपारी डाल के ये हवन में रख दिया गया है। अब ये सब लोग कर रहे हैं पूर्ण आहुति, लास्ट में पूर्ण आहुति देते हैं पूरे हवन का। जो अब ये गरी थोड़ी सी काट के एक हिस्सा हवन में डाल दिया जाएगा और इनको अर्पित कर दिया जाएगा। दिन सबको प्रसाद में दिया जाएगा। ये एक हिस्सा पहले हवन जी को समर्पित किया जाएगा। अब सब लोग हवन जी की आरती करेंगे यज्ञ भगवान की। अब ये आर्या कलावा बनवा रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं था। थैंक यू आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। बताइएगा हमारे यहाँ की पूजा विधि विधान कैसे लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।